साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे रैपिटस सिरप। साथियों रैपिटस सिरप एक खांसी का सिरप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एमआरपी, साथ ही साथ इसकी खासियत क्या है, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट और डोजेस, और ये वर्क कैसे करता है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। साथियों रैपिटस सिरप हमारे पास है, ये 100 ml का सिरप है, 108 रुपए इसकी एमआरपी है, मैकलियॉर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। साथियों रैपिटस एक ब्रांड नेम है, जो इसका कंपोजिशन है वो है लिवोड्रोप्रोपीजीन 30 mg। लिवोड्रोप्रोपोजीन जो है, क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा कंपोजिशन है, जो ड्राई कफ है, कहने का मतलब है नो बलगम, नो स्पुटम, नो म्यूकस, बलगम नहीं आता है, खांसी बहुत आ रही है, स्पुटम नहीं आता है, खांसी बहुत आ रही है, म्यूकस नहीं आता है, खांसी बहुत आ रही है, तो ऐसे केस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं रैपिटस सिरप। साथियों रैपिटस सिरप शुगर फ्री सिरप है और ये एंटी टिश्यू मेडिसन है, एंटी टिश्यू क्लास की मेडिसन है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी, साथ ही साथ ये क्या करता है, सुप्रेस कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन, और ये क्या करता है कि खांसी को जो है नहीं आने देता है, तो एक नर्व होती है सेंटर इन द ब्रेन और उसको डिप्रेस कर देता है, दबा देता है और उससे खांसी तुरंत रुक जाती है। साथियों कंपोजिशन ऑलरेडी बता दिया है, रैपिटस एक ब्रांड है मैकलियॉर्ड फार्मास्यूटिकल की, जिसका कंपोजिशन लिवोड्रोप्रोपीजीन 30 mg इसके अंदर मिला है, सिंगल एक दवाई मिली है और ये केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। रैपिटस सूखी खांसी अगर है, बलगम नहीं आ रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। साथियों यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, जिसमें कि नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम कह सकते हैं कि खांसी आ रही है, आवाज आती है खांसी में, बट बलगम नहीं आता है, नो बलगम, नो म्यूकस प्रोड्यूस्ड, और बलगम नहीं आ रहा है, तो ऐसी खांसी में जो है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साथियों होता क्या है कि जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अब सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो गया, दवा खाने से बलगम भी सूख गया, लेकिन बाद में खांसी आती रहती है और बलगम नहीं निकलता, तो ऐसे केस में दवाई को दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोल्ड एलर्जीज है, जैसे कि जुकाम हुआ, खांसी आने लगी, बहुत सी सीरप पी लिया अपने, नहीं ठीक हुआ, या थ्रॉट में इरिटेशन है, तो ये जो है क्या करता है, इस सीरप को देते हैं, तुरंत आदमी ठीक हो जाता है। साथ ही साथ एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि वाटरी आइज है, स्नीजिंग, छींक बहुत आती है, रनिंग नोज है, थ्रॉट इरिटेशन है, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस दवाई को ले सकते हैं। साथियों रैपिटस सिरप शुगर फ्री है, इसीलिए शुगर के रोगी भी इसको ले सकते हैं, और इसको लेने से कुछ छड़ी साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया है, हेडेक है, सर में हल्का फुल्का दर्द रहेगा कुछ देर तक, थकान ऐसी लगेगी इसको पीने के बाद, पेट अपसेट कर देता है, डायरिया होने के चांस है, पाल्पिटेशन, पल्स जो है घटते बढ़ते रह सकता है, इस तरह से जो है थोड़ा सा घबराहट टाइप की लगेगी, बट ये छड़ी साइड इफेक्ट है। साथियों डोजेस की बात करेंगे, तो साथियों एडल्ट में जो है 12 साल से एबव के लोग हैं, तो वो 7.5 ml, 7.5 ml जो है दिन में 3 बार ट्राई से डे, सुबह दोपहर रात को लेंगे, 6-6 घंटे पे कह सकते हैं। अदरवाइज 12 साल से कम एज की है तो 5 ml जो है 3 साल से एबव होना चाहिए, 3 साल से छोटे बच्चे को जो है नहीं देंगे, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से देंगे, तो उनको जो है 5 ml सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार ट्राई से डे दिया जाता है। साथियों ये वर्क कैसे करता है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, एंटी टिश्यू क्लास की ये दवा है, रैपिटस सिरप शुगर फ्री है, इसके काम है टू ट्रीट ड्राई कफ, और ये क्या करता है, ये सुप्रेस कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन, जैसे कि ब्रेन में जाके वर्क करता है, नर्व को डिप्रेस कर देता है, उससे खांसी आना बंद हो जाता है। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो बच्चों से पहुँच से दूर रखना, और धूप और जो है क्या होता है कि हीट की जगह पर नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।